इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 8 दिन पहले हुए हमले को लेकर सलामुद्दीन ने विशेष बातचीत करते हुए कहा कि 4 अगस्त रात को वह नमाज अदा करके फ्री होने के बाद किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे। उसी समय वहां मौजूद अहमद खान सपुत्र शेर खान, कादर खान सपुत्र शेर खान ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। उसमें जमात अली और ईद मोहम्मद ने मुझे बचाया। घर जाने के बाद सारी बात अपनी पत्नी नीलम को बताई, जिस पर पुलिस प्रशासन से भी मांग की जाती है कि अगर कोई निहत्थे आदमी पर हमला करता है तो क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है। सलामुद्दीन की पत्नी नीलम ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि वह पुलिस चौकी गंगत जा रही थी तो रास्ते पर जब शेर खान के घर के पास पहुंची तो शेर खान के दोनों लड़कों ने उसे आवाज लगाई तो मैंने सोचा कि शाहिद ने अपनी गलती का एहसास हो गया है, परंतु दोनों लड़के मुझे घसीट कर अंदर ले गए और दोनों ने मिलकर मारपीट की। श्रावण मास के आखिरी सोमवार को छोटी काशी के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह से मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने बिलपत्र पुष्प दूध चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। मंडी के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान शिवालय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि सनातन धर्म के अनुसार श्रावण मास में भोलेनाथ मात्र जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बताया कि सुबह से हजारों के हिसाब से श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। नेहरू युवा केंद्र मंडी के सौजन्य से ओम साई सेवा समिति सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जल संरक्षण अभियान के तहत 15 अगस्त तक ओम साई सेवा समिति तहसील बड़ में डडौर में परियोजना के कार्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पार्षद सुमन चौधरी, नगर परिषद नेर चौक व जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र मंडी रेणु रानी के कर कमला द्वारा किया गया। कार्य शिविर के तहत डडौर में व्यर्थ जल के संरक्षण के लिए पीने के पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा, जिसकी नींव रखी गई और पौधरोपण कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमन चौधरी ने युवाओं को संदेश दिया कि हमें इस समय जल संरक्षण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल ही हमारे जीवन का एक आधार है। और इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से गुजारिश की कि वे अपने गाँव में, अपने समाज में बढ़ रहे नशे जैसी बुरी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें। प्रदेश डिपू संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक की अध्यक्षता में देहरा ब्लॉक के डिपू धारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिपू धारकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को डिपू धारकों की समस्याओं के समाधान व डिपू धारकों के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। प्रदेश डिपू संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बो डिपू संचालक समिति देहरा ब्लॉक के प्रधान मोहिंदर सिंह ने बताया कि हाल ही में संघ द्वारा निजी डिपू धारकों वो सहकारी सभाओं के विक्रेताओं की समस्याओं बारे एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को उनके गृह पर सौंपा था। इसमें डिपू धारकों को J&K, केरल, गोवा और तमिलनाडु सरकारों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी घोषित करने, खाद्य आपूर्ति निगम में प्रदेश भर में 90% गोदामों से डिपू धारकों को राशन तोलकर देना, डिपू धारकों को सहकारी सभाओं में 2013 से 2017 तक NFSA के राशन पर बढ़ा हुआ 27 महीनों के कमीशन केंद्र सरकार से दिलाए जाने इत्यादि मांगों पर गौर फरमाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके लिए ठोस नीति बनाकर राहत देने की मांग उठाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आगे विभागीय अधिकारियों की ओर कार्रवाई करने की बात कही है। बैठक में देहरा ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रधान मोहिंदर सिंह को जबकि वरिष्ठ उप प्रधान महावीर सिंह को चुना गया। इसके अलावा नवल शर्मा उप प्रधान, सलाहकार संजय कुमार, महासचिव सतीश शर्मा, सचिव विजय कुमार, सह सचिव गुलवंत सिंह को चुना गया। सोलन में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन पर जन जागरण अभियान का आरंभ सोलन में हुआ है। इस अभियान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस अभियान के तहत लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि भारतवर्ष बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। भारत नीति आयोग का हवाला देते हुए
शांता कुमार ने बताया कि देश में 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से 2 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किन प्रमुख नगरों में 2020 तक पीने का पानी नहीं मिलेगा। चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार ने इस मौके पर एक नया नारा दिया, हम दो हमारे दो और सबके दो। उन्होंने इस नारे के साथ ही एक मांग की है कि इसको लेकर जल्द कानून बनना चाहिए और अगर कानून नहीं बनता है तो देश के हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए देशवासियों में जागरूकता लाने की जरूरत है। सावन महीने के अंतिम सोमवार को गरली के निकटतम शिव तपोभूमि कालेश्वर महादेव और ढलियारा के करीब 5 किलोमीटर दूर विराजमान श्री मचकुंड महादेव मंदिर परिसर में मूसलाधार बारिश के बावजूद भी भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। कालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह करीब 4 बजे से ही स्थानीय इलाकों के अलावा पंजाब, हरियाणा व अन्य पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इस दौरान कालेश्वर महादेव मंदिर के निकट अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा बनाया गया पवित्र स्नान सरोवर में करीब 20 से 30 हजार भक्तों ने डुबकी लगाकर मूसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर छाता लेकर लंबी कतारों में मंदिर में माथा टेका। प्रशासन की तरफ से आए हुए सुरजीत शर्मा पटवारी ने बताया कि प्राचीन कालेश्वर मंदिर में श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है और सभी भक्तों को लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं। पंजाब से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि हमें लगभग 22 साल लगातार कालेश्वर मंदिर में आते हुए हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें पहले से सुधार हुआ है और लोगों की आस्था इस मंदिर में और बढ़ गई है।